नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटेस्टिनल कॉलिक के बारे में। इंटेस्टिनल कॉलिक का मतलब है अगर आपकी छोटी या बड़ी आंत में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम के वजह से दर्द हो रहा है, कॉलिक हो रहा है, तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और होम्योपैथी की वो कौन सी 5 दवाइयां हैं जो कि इंटेस्टिनल कॉलिक में बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो ज़रूर बेल बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि मैं जब भी लाइव आती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंटेस्टिनल कॉलिक एंड द होम्योपैथिक मेडिसिंस। इंटेस्टिनल कॉलिक ये एक प्रकार का फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, फंक्शनल डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी या तो छोटी आंत या बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टिन या लार्ज इंटेस्टिन, दोनों में से किसी में भी एक ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से स्पैज़म हो जाता है, तो एक ब्लॉकेज हो जाता है जिसके वजह से खाना या फ्लूट कुछ भी पास नहीं हो पाता। तो क्या होगा, अगर कुछ भी पास नहीं हो पाएगा तो पेट में आपको सूजन हो जाएगी, डिस्टेंशन हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, वॉमिटिंग हो सकती है। अब ये जो आपको इंटेस्टिनल कॉलिक होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई जिसके वजह से एक स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया है, तो उसके वजह से जो इंटेस्टिन है, इंटेस्टिन का डायमीटर कम हो जाना या ब्लॉकेज हो जाना, ऐसा हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि क्रोहन्स डिजीज़ है, इसमें सूजन के वजह से, इन्फ्लेमेशन के वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी कारणवश आप स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं तो फीकल मैटर वहाँ पे अटक जाए, इंटेस्टिन में अटक जाए, तो इम्पैक्टेड फीकल मैटर, ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों इंटेस्टिनल कॉलिक का। इसके अलावा हो सकता है अगर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर हो, कोई ग्रोथ हो, किसी प्रकार की कोई मेलिग्नेंसी हो रही है, तो ये भी रीज़न हो सकता है जिसके वजह से आपको इंटेस्टिनल कॉलिक हो या स्पैज़म हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर जो इंटेस्टिन के वॉल्स हैं, तो उस वॉल्स में अगर कोई डाइवर्टिकुला बन जाए, डाइवर्टिकुला का मतलब है एक छोटा सा पाउच सा बन गया, एक पॉकेट सा बन गया, अब उस पॉकेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड मैटर हो गया, तो उसके वजह से वहाँ पे आसपास एरिया में सूजन हो गया, और क्योंकि डाइवर्टिकुला में इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, इस वजह से जो एडजॉइनिंग एरिया है, आंत की जो एरिया है, वहाँ से कुछ भी पास नहीं कर पाए और एक प्रकार का स्पैज़म वहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों, जो इंटेस्टिनल कॉलिक होता है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि कहीं ये पेरिटोनाइटिस तो नहीं है। तो जनरली पेरिटोनाइटिस में हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइन, यानी कि बुखार, फीवर, हाई टेम्परेचर, ये सब प्रेजेंट होता है। अगर हेपेटिक कॉलिक है, यानी कि लिवर संबंधित बीमारी के वजह से है, तो आपके पास पीलिया का, यानी कि जॉन्डिस का हिस्ट्री होगा, नौजिया, वॉमिटिंग, इस प्रकार के सिम्टम्स होंगे। अगर ये यूरेट्रिक कॉलिक है, तो आपको यूरेटर में, यूरिन के रास्ते प्रॉब्लम होना, कमर में दर्द होना, किडनी में पेन होना, यूरिन में बर्निंग होना या ब्लड वगैरह जाना, ऐसे आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अगर ये यूटेराइन कॉलिक है, यानी कि फीमेल को हो रहा है और ये कोई प्रॉब्लम है विच इज़ रिलेटेड टू द यूट्रस, बच्चेदानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हम देखेंगे जो पेट का दर्द होता है वो लोअर एब्डोमेन में होता है, और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी हमें देखेगी, यानी कि पीरियड्स में भी हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस या इरेगुलरिटी हमें दिखेगी। तो ये हमारे कुछ मुख्य रीज़न हो सकते हैं किस वजह से आपको इंटेस्टिनल कॉलिक है। इंटेस्टिनल कॉलिक जब होगा तो आपको क्या लक्षण होंगे? पेट में दर्द होना, पेट में सूजन हो जाना, डिस्टेंशन हो जाना, पेट फूलना, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, ये हमारे कुछ लक्षण हो सकते हैं दोस्तों इंटेस्टिनल कॉलिक के। अब हम बात करते हैं कि अगर इंटेस्टिनल कॉलिक है
तो ऐसे में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर इंटेस्टिनल कॉलिक है तो किस वजह से प्रॉब्लम है, रीज़न क्या है, वो हमें पता लगाना है एंड अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देना है। तो होम्योपैथी की सबसे फर्स्ट मेडिसिन इंटेस्टिनल कॉलिक के लिए है कोलोसिंथिस। तो दोस्तों कोलोसिंथिस कॉलिक के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम देखेंगे कि कोलोसिंथिस से रिलीव होता है एक एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो जाना, टिम्पैनिटिक एब्डोमेन हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को बेचैनी बहुत ज़्यादा फील होती है, जो पेट का दर्द है वो पेट पकड़कर अगर दबाया जाए और सामने की तरफ झुका जाए, बेंड किया जाए तो पेशेंट बेटर फील करता है। जो दर्द आता है वो 5-10 मिनट के लिए दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे दर्द कम होता है। तो कई बार पेशेंट टेबल का कोना या किसी भी कॉर्नर से भी पेट को दबाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली पेट को दबाना और दबाकर एकदम झुकना, तो जितना ज़्यादा बेंडिंग सामने बेंडिंग पेशेंट करता है सामने की तरफ, उससे जो दर्द है उसमें रिलीफ मिलता है या बेटर पेशेंट फील करता है। तो ऐसे कॉलिक के लिए जो कि सामने बेंड होने से बेहतर हो, जो पेन का इंटेंसिटी, जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो 5-10 मिनट के लिए रहे और पेट में साथ में सूजन हो जाए, पेशेंट को बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, तो कोलोसिंथिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो ऐसे केसेस में हम कोलोसिंथिस को 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज दे सकते हैं, जिससे पेशेंट बेटर फील करता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है इंटेस्टिनल कॉलिक के लिए वो है डायोस्कोरिया। अब डायोस्कोरिया में हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट को जो पेट में तकलीफ है, जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, वो बेटर तब होता है जब पेशेंट पीछे की तरफ स्ट्रेट होने की कोशिश करे। यानी कोलोसिंथिस में जहां हमने देखा सामने झुकने से आराम आता है, वहीं डायोस्कोरिया में बिल्कुल भी झुकना नहीं है, पेट को एकदम से स्ट्रेच करना है, सीधा रखना है। इनफैक्ट पेशेंट अगर पीछे की तरफ बेंड होता है, पीछे की तरफ ऐसे झुकता है तो थोड़ा सा बेटर फील करता है। तो बिल्कुल अपोजिट मोडालिटी हमें कोलोसिंथिस की देखने को मिलती है डायोस्कोरिया में। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो डायोस्कोरिया जो मेडिसिन है ये आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो दोस्तों डायोस्कोरिया को भी हम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, रिपीटेड डोजेज इंटेस्टिनल कॉलिक के केस में दिया जा सकता है। दोस्तों जो हमारी अगली मेडिसिन है इस केस में वो है मैकफॉस। अब मैकफॉस मेडिसिन हमें कॉलिक, स्पैज्म, डिसमेनोरिया, तो कभी भी जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, एठन्सी बन जाती है, तो मैकफॉस हमें मदद करती है। मैकफॉस में भी हम देखते हैं पेट में गैस वगैरह ज़्यादा बनती है, बट गैस रिलीज करने से भी पेट के दर्द में आराम नहीं होता है। मैकफॉस में भी थोड़ा सा हार्ट प्रेशर, पेट को दबाने से थोड़ा पेशेंट बेटर फील करता है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में मैकफॉस को आप 6x पोटेंसी में दे सकते हैं। इसकी दो दो टैबलेट आप दे सकते हैं 10-10, 15-15 मिनट के गैप में, जब तक पेशेंट बेटर फील करे। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है ओपियम। ओपियम में हम देखते हैं पेट में कटिंग पेन होता है, एक स्क्वीजिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि कोई इंटेस्टाइन को ऐसे दबा रहा है, तो स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन होता है। और इसके साथ साथ ओपियम में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर फीकल इम्पैक्शन है या जो स्टूल्स हैं वो नहीं पास हो रहे हैं एंड इम्पैक्टेड स्टूल्स हो गए हैं, तो ऐसे में हम ओपियम को कंसिडर कर सकते हैं। ओपियम में जो स्टूल पास होता है बिल्कुल राउंड बॉल्स के जैसे, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, और ऐसा लगता है कि कुछ स्क्वीज हो रहा है, इंटेस्टाइन बिल्कुल स्क्वीज हो रहे हैं, जो पेट के मसल्स हैं वो पीछे की तरफ खिंच रहे हैं, इस तरह की फीलिंग होती है, कटिंग पेन होता है, तो ऐसे में हम ओपियम मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों छोटे बच्चों में भी अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ओपियम एक अच्छी मेडिसिन है जिसको 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, जो ऐसे केसेस में आपको मदद कर सकता है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है प्लम्बम मेटालिकम। अब प्लम्बम मेटालिकम में हम देखते हैं कि पेट में आपको सूजन, डिस्टेंशन, ये सब प्रॉब्लम तो है ही, इसके साथ साथ जो पेट के मसल्स हैं, रेक्टस मसल्स हैं, उसमें ऐसा लगता है गांठ सी बन गई है, नॉट्स जैसे लग रहे हैं, और पेशेंट ऐसे बोलता है, इस तरह की फीलिंग होती है कि जो पेट का मसल्स है या पेट है वो पीछे स्पाइन तक खिंच रहा है, रीढ़ की हड्डी तक, जो
पेट में खिंचाव महसूस हो रहा है जो आगे से लेके पीछे तक रीढ़ की हड्डी तक एक खिंचाव पैदा कर रहा है। तो इस तरह की जब एक रिट्रैक्शन या एक पुलिंग सेंसेशन या एक पुलिंग फीलिंग हो, तो ऐसे में जो प्लम्बम मेटालिकम मेडिसिन है ये बहुत आपको अच्छा मदद कर सकती है। एंड प्लम्बम मेटालिकम में हमें गांठे या नॉट्स भी फील होते हैं, तो जो रेक्टस मसल्स है, जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, हमारी पेट की जो मसल्स हैं, इसमें भी हमें नॉट या गांठे महसूस हो सकती है। पेट जब दर्द होता है तो हार्ट प्रेशर से या थोड़ा सा दबाने से थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 होम्योपैथी की मेडिसिन जो कि इंटेस्टिनल कॉलिक के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? सबसे फर्स्ट हमारी मेडिसिन है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस में हम देखेंगे सामने की तरफ झुकने से बेटर है। नेक्स्ट है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया में पीछे की तरफ जाने से बेटर है। थर्ड है हमारी मैकफॉस। मैकफॉस में हम देखते हैं कि गैस वगैरह पास होने के बावजूद भी पेट दर्द में रिलीफ नहीं मिलता है। फोर्थ हमारी मेडिसिन है ओपियम, जो कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर कर सकते हैं। एंड द लास्ट मेडिसिन इज प्लम्बम मेटालिकम, जिसमें हम देखते हैं कि पेट में गांठे फील होती है, नॉट्स फील होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 दवाइयाँ जो कि इंटेस्टिनल कॉलिक में बहुत ही हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को केवल WhatsApp के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं, तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।